आज हम लौकी के पराठे बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा लौकी लिया है। लौकी के पराठे में 1.5 से 2 चम्मच लाल तीखा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 से 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून 3 आधा टेबलस्पून अजवाइन, कोरिएंडर लीव्स इसको धो के काट लिया है, बाजरे का आटा 1/2 कटोरी, बेसन का आटा 1/2 कटोरी, राइस का आटा 1/2 कटोरी, 2 कप गेहूं का आटा, तेल सेकने के लिए और इसमें डालने के लिए नमक और लौकी। लौकी को धो के साफ कर लिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। इसे कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम लौकी को गेहूं के आटे में डाल लेंगे। फिर इसमें राइस का आटा, बाजरे का आटा, बेसन का आटा और हमने जो मसाले लिए हैं वो भी सब ऐड कर देंगे। कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक जिंजर पेस्ट, लाल तीखा, लाल तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सॉल्ट, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स पहले हमें दूधी के जूस में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। थोड़े से थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। भिगोने में हमने 1/2 कटोरी पानी लिया था। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। आटे का एक बॉल बना लेंगे। इसे थोड़ा सूखा आटा लगा के थोड़ा सा बेल लेंगे।
को हम इसे फिर से बेल लेंगे। बेल लिया है, अब हम इसे सेक लेंगे। एक साइड से सेकने थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसे पलटी कर लेंगे। ये साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। गैस को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। पराठा पकने का स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी के पराठे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। लौकी के पराठे बनकर तैयार हैं। आप इसे गरम गरम ही परोसें। आप ये रेसिपी बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।